नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 अकाउंट पार्ट 1, जिसका नाम था साझेदारी की निवृत्ति या मृत्यु, इंग्लिश में से कहते हैं रिटायरमेंट डेट ऑफ ए पार्टनर। बच्चों, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, जिसमें ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट के अंदर बड़ा वहां पर डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और बच्चों, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं गारंटी देता हूँ कि बड़ा, अगर तुमने मेरा एक वीडियो भी देख लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक ही वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो में बने रहिए, आज हम एक नया सवाल लेने वाले हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। आज के दिन हम आपको सिखाने वाले हैं, जिस सवाल के अंदर चालू खाता पूंजी खाता दोनों दिया हो तो उस समय उस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं, देखो हम कौन सा सवाल लेने वाले हैं। चलिए बच्चों, मैं लेने वाला हूं स्वाध्याय का 8वां क्वेश्चन बड़ा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों मेरा ये टेक्स्ट बुक जो है, किताब जो है, थोड़ा सा फट गया है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना, थोड़ा सा मैनेज करना बड़ा। या तो आपके पास किताब हो तो आप किताब खोल के बैठना, क्योंकि बड़ा मेरा थोड़ा सा टेक्स्ट बुक फंसा हुआ है, तो अच्छे तरीके से शायद आपको क्वेश्चन समझ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बड़ा मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बड़ा क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बस मैं यहाँ पर रीड करूंगा तो आपको एक ही बार में वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर शुरुआत कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पहले अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? जया, ममता और स्मृति, यहां पर अनुपात दिखा हुआ है बड़ा, वो अनुपात यहां पर फट चुका है, आप लोग थोड़ा समझना बड़ा। वो अनुपात मैंने गलती से यहां पर लिख दिया है, जिससे आपको दिखाई दे कितना है, 2/5, 5/10 और 1/10 के भाग में लाभानि बांटने वाले साझेदार हैं। 31/3/2016 के दिन उनकी पीढ़ी के पक्की तलपट निम्न अनुसार दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर पूंजी दायित्व, यहाँ पर संपत्ति लेना का कोष्टक दिया गया है। और उसके नीचे बड़ा यहाँ पर सबसे पहले मेन इंपोर्टेंट टॉपिक ये है कि देखो इसमें से कौन सा साझेदार रिटायरमेंट हो रहा है। मैंने क्या बताया था कि जब भी कभी निवृत्ति वाला सवाल हो ना, सबसे पहले ये पता करो कि रिटायर कौन हो रहा है, निवृत्त कौन हो रहा है। तो यहाँ पर निवृत्त हो रहा है स्मृति। कौन निवृत्त हो रहा है? स्मृति। यहाँ पर कौन हो रही है साझेदार? रिटायर हो रही है, निवृत्त हो रही है। क्लियर हो गया बच्चों? अब सबसे पहले यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर जो लाभानि का अनुपात, जो पुराना अनुपात दिया हुआ है, वो सही तरीके से नहीं दिया हुआ है। आप देखो यहाँ पर 2/5 लिखा है, यहाँ पर 5/10 लिखा है, यहाँ पर 1/10 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर हर तो समान है, परंतु इसका हर समान नहीं है, तो इसका हर समान करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हर समान नहीं, इसको हर कैसे समान करते हैं, इसे अच्छी तरीके से देखो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हर समान है, यहाँ पर हर समान है। अब बच्चों ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ पर 10 लाने के लिए, यहाँ जैसे यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 लाने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा बच्चों? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो दोनों बाजू 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2×4/10। अब बच्चों देखो, ये भी, ये भी, ये भी, तीनों का हर समान हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पर जया, ममता, स्मृति का जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा? 4:5:1 बनेगा। तो इसका जो आपका पुराना अनुपात होगा बच्चों, वो आपका क्या होगा? 4:5:1 होगा। अब अपने माइंड में, अपने भेजे में, अपनी खोपड़ी में उतार लेना पड़ा, आपका पुराना अनुपात क्या है? 4:5:1। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सवाल नहीं समझ में आता है, बट सच कहता हूँ बड़ा, सवाल काफी ज्यादा ईजी है, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, अब सबसे पहले सवाल चालू करने से पहले मैं बता रहा हूँ स्टेप नंबर 1। क्या स्टेप नंबर 1? सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो नीचे समायोजन दिया है, समायोजन पर से क्या करेंगे हम, टिक करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखो, किराया, तो किराया तो हम भाई इसको किराए के ऊपर कोई एंट्री नहीं है इसके अंदर, तो इसको हम क्वेश्चन के अंदर टिक कर देंगे। दूसरा विनियोग, तो यहाँ पर विनियोग पर हम क्या करेंगे, राउंड कर देंगे। क्या करेंगे? विनियोग पर हम राउंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या थी, बाकी कुछ भी चीज यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बस चलिए टिक कर दिया। अब हम बात करेंगे बड़ा यहाँ पर ये, कि अब क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करना है,
कैसे करना है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, क्वेश्चन की शुरुआत आपको हमेशा कहां से करना है, क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा आपको संपत्ति लेना से शुरू करना है। कहां से, कहां से चालू करना है, संपत्ति लेना से। चलिए पहली एंट्री क्या लिखा है, ख्याति। तो बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था। मैंने बताया था अगर पक्की तारथी चिट्ठा के पक्की लेना के संपत्ति लेना साइड अगर बड़ा लिखा ऐसा कुछ लिखा हो तो उसको बंटवारा करना होगा। किसके बीच में, पुराने साइडर को चालू या पूंजी खाते में क्या करेंगे, हम बंटवारा करेंगे। और यहाँ पर देखो लाभानि खाता का दिया हो, विज्ञापन अभियान खर्च लिखाओ या संशोधन विकास खर्च लिखाओ या ख्याति लिखाओ, किस साइड, संपत्ति लेना साइड, तो आपको क्या करना होगा, इसको पुराने साइडर को चालू या पूंजी खाते की उधार साइड में हम क्या करेंगे, बांटेंगे। क्लियर हो गया बच्चों। चलो बच्चों ये चालू करने से पहले ये पता कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से खाते बनेंगे। बच्चों अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर पूंजी खाता भी दिया हुआ है और यहाँ पर चालू खाता भी दिया है। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से खाते रेडी करना है सबसे पहले वो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा सबसे पहले बनाने वाला है हम पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता बन जाए बच्चों उसके बाद आपको यहाँ पर बनाना है पक्की तलपट, आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा बन जाए बच्चों उसके बाद बनाना है साझेदारों की पूंजी खाता। साझेदारों की पूंजी खाता बन जाए बच्चों तो उसके बाद आपको बनाना है यहाँ पर साझेदारों को चालू खाता। साझेदारों को चालू खाता बन जाए बच्चों उसके बाद आपको यहाँ पर बनाना है पुनर्मूल्यांकन रोकड़ एंड बैंक खाता। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब हम सवाल की शुरुआत करते हैं। अब बच्चों जब भी सवाल के अंदर बड़ा चालू और पूंजी दोनों लिखा है बड़ा, तो बड़ा पूंजी खाते में कौन सी एंट्री करना है, पूंजी खाते में ओनली पूंजी खाता का ही एंट्री करना होगा। कब, जब चालू खाता दिया हो तब, और बाकी सारी एंट्री आपको कहाँ करना है, चालू खाते के अंदर करना है। चलिए क्लियर। अब बड़ा यहाँ पर पहली एंट्री क्या लिखा है, ख्याति। ख्याति संपत्ति लेना लिखा है बड़ा, संपत्ति की सारी एंट्री कहाँ जाएगी, उधार साइड जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों, कहाँ जाएगी वो तो हम आपको बता देंगे बाद में, पहले ये समझ लो। तो ख्याति कहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर संपत्ति तो उधर जाएगी, उधार साइड में कहाँ जाएगी, साझेदार के चालू खाते की उधार साइड जाएंगी। क्या लिखेंगे, ख्याति खाता। चलिए लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, उधार साइड लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा ख्याति खाता लिखेंगे उधार साइड, ख्याति। ख्याति का बंटवारा करना कितना लिखा है बच्चों, 30,000। तो पुराना अनुपात कितना दिया था, पुराना अनुपात दिया है 4:5:1। अभी हमने निकाल के बताया ना बच्चों, चलो 30,000 को बड़ा 4:5:1 में बांट के बताओ कितना आएगा। चलिए जल्दी जल्दी बांटो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर जया का आएगा यहाँ पर 12,000, उसके बाद ममता के कितना आएगा 15,000, और स्मृति का कितना आएगा 3,000, क्योंकि स्मृति कौन हो रही है, रिटायर हो रही है। क्लियर हो गया बच्चों। बांटना तो आप सभी को आता है ना बच्चों, बांटना इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को आता है, नहीं आता है तो पहला जाके वीडियो देख लेना किस तरीके से मैंने बांटा हुआ है। क्लियर बच्चों, बांटना तो सभी आता है ना, यही पुराने अनुपात में बांटना, 4:5:1 में आपको क्या करना है, 30,000 को बांटना है। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, मकान। मकान पे कोई समायोजन नहीं, तो मकान को कहाँ लिखेंगे, मकान हमारी क्या है, संपत्ति थी, इसलिए कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना साइड। चलो जाके लिखते हैं, देखो बच्चों संपत्ति लेना साइड लिख दिया मकान 2,82,000। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या लिखा है, यंत्र। यंत्र पे कोई समायोजन नहीं, तो यंत्र को भी कहाँ लिखेंगे, यंत्र हमारी क्या होती है, संपत्ति, तो कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना। चलिए लिखते हैं, देखो बच्चों यंत्र खाता लिखा है 1,45,000। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंट्री, अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या लिखा है, विनियोग। बच्चों यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर देखो विनियोग की क्या एंट्री दिया है, विनियोग के ऊपर समायोजन क्या लिखा है, विनियोग 35,000 रुपये में बेच देना है। कौन क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या लिखा है कि 35,000 में बेच देना है। मैंने जिसपे हाईलाइट किया ध्यान से गौर से समझो, क्या लिखा है, विनियोग 35,000 में बेच देना है। तो एक्चुअल में विनियोग की प्राइस कितना लिखा है, 33,000 रुपया लिखा है, और 33,000 का हमारे पास सामान था, हमने 35,000 का बेच दिया, तो कितने हजार का यहाँ पर फायदा हुआ, 2,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया। क्लियर बच्चों, फायदा हो गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अपने पास बड़ा 33,000 रुपया है, ठीक है, मान लो
33,000 रुपया है और यहाँ पर आपने बेचा कितना 35,000 में, तो यहाँ पर आपने बेच दिया 35,000 रुपये में आपने बेच दिया, तो आपको कितने कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 2,000 रुपये का आपको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। क्लियर बच्चों, अब ये जो फ़ायदा हुआ है ना 2,000 रुपया, अब ये 2,000 रुपया आप कहाँ लिखोगे, इसकी एंट्री बता रहा हूँ बड़ा, संपत्ति में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ विनियोग, विनियोग विनियोग आपका 33,000 का है और 35,000 में आप बेच रहे हो, कितना 35,000 में बेच रहे हो, तो कितने हजार का फायदा हुआ, तो यहाँ पर 2,000 का क्या हो रहा है बच्चों, फायदा हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। आगे क्या कह रहा है उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। आगे बोल रहा है वो 35,000 रुपया बेच देना चाहता है, बेच देना चाहता है मतलब जब कोई भी चीजों को बेच दोगे तो रोकड़ आएगी कि जाएगी, ये बताओ बच्चों। जब आप कोई सामान कोई संपत्ति को बेचोगे ना तो वहां से हमें क्या मिलेगा, रोकड़ मिलेगा, रोकड़ आएगा, आए तो उधार, तो यहां लिखेंगे तो ये 35,000 रुपये कहां जाएगा, रोकड़ बैंक खाता। ठीक है, माइनस, तो यहां लिखेंगे 35,000 रुपये, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेस। अब बच्चों यहां पर ये अगर संपत्ति लेने में इसकी एंट्री नहीं करोगे तो भी चलेगा, विनियोग वाली एंट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। क्लियर, अब बच्चों देखो यहां पर प्लस है तो बेटा मैंने आप लोग एक नियम बताया था, क्या नियम बताया था, ध्यान से समझो, प्लस होगा तो सेम साइड और माइनस हो तो साइड चेंज। क्लियर, क्या बताया था बच्चों, प्लस होगा तो सेम साइड, माइनस हो तो साइड चेंज। देखो बच्चों प्लस होगा तो क्या होगा, सेम साइड, माइनस होगा तो साइड चेंज, तो यानी कि यहां पर प्लस है तो दूसरी एंट्री कहां जाएगी, पुनः मूल्यांकन खाते की जमा साइड, क्यों, क्योंकि इधर जमा है तो उधर भी क्या होगा, जमा, क्योंकि सेम साइड है, तो चलिए पुनः मूल्यांकन खाते की जमा साइड में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, विनियोग, कितना लिखेंगे, 2,000 रुपये। देखो बच्चों पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड में क्या लिखा है, विनियोग 2,000 रुपया। क्लियर हो गया, कैसे कैसे दो इफेक्ट पड़ रहे, क्लियर हो गया ना, समायोजन की हमेशा कितनी इफेक्ट होगी, दो इफेक्ट होगी। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टॉक, स्टॉक पे कोई समायोजन नहीं बच्चों, तो स्टॉक को सीधा क्या लिख दो, स्टॉक हमारी क्या है, संपत्ति है, तो सीधा सीधा लिख दो, कहां लिखेंगे, संपत्ति में लिख दो स्टॉक, कितना दिया है बच्चों, स्टॉक दिया है 20,000 रुपये, तो यहां लिखेंगे 20,000। क्लियर, नेक्स्ट एंट्री, देनदार, देनदार पे कोई समायोजन नहीं तो देनदार लिख दो बड़ा, देनदार क्या है हमारा, संपत्ति, देनदार कितना दिया है बच्चों, 50,000, तो यहां लिखेंगे 50,000। क्लियर, नेक्स्ट एंट्री कितना लिखा है बच्चों, स्मृति की लोन, याद रखना बच्चों अगर सवाल के अंदर स्मृति की लोन दिया है बच्चों, संपत्ति लेना साइड लिखा है, तो मैंने बताया था संपत्ति लेने की एंट्री कहां जाएगी, उधार जाएगी, तो ये वाली एंट्री कहां लिखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों, तो ये एंट्री कहां जाएगी, स्मृति की लोन, तो साझेदारी के चालू खाते के उधार साइड जाएंगी, वहां पर लिखेंगे स्मृति की लोन, किसके खाने में लिखेंगे, स्मृति के खाने में लिखेंगे। क्लियर बच्चों, चलिए लिखते हैं, साझेदार के चालू खाते के उधार साइड जाएंगी, वहां पर लिखेंगे स्मृति की लोन, किसके खाने में लिखेंगे, स्मृति के खाने में, कितना दिया है 30,000, तो यहां लिखेंगे 30,000। क्लियर हो गया बच्चों, कौन सी एंट्री कहां जा रही है, कैसे जा रही है, क्लियर समझ में आ रहा है ना, चलिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या लिखा है, चालू खाता स्मृति 10,000 रुपया, तो चालू खाता, तो बड़ा हम कहां जाएंगे, चालू खाता साइडर के चालू खाते को उधार साइड जाएंगे, वहां पर लिखेंगे शेष आगे लाए, किसके खाने में लिखेंगे, स्मृति के खाने में, कितना लिखेंगे 10,000, तो यहां लिखेंगे हम शेष आगे लाए, बच्चों मैंने ऊपर जगह नहीं छोड़ा था इसलिए बड़ा यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग ऊपर लिखना, क्लियर, शेष आगे लाए, किसके खाने में लिखेंगे, स्मृति खाने में, कितना 10,000 रुपया। बोलो बच्चों क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट एंट्री, ध्यान से देखो बड़ा, संपत्ति लेना की सारी एंट्री हमारी हो चुकी है, अब हम किस साइड करेंगे, अब हम आते हैं बड़ा पूंजी दायित्व बाजू, चलिए लेनदार, लेनदार पे कोई समायोजन नहीं है तो लेनदार हमारी क्या होती है, दायित्व, तो दायित्व, तो हम आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेने हम जाएंगे, वहां पर लिखेंगे दायित्व में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेनदार, कितना लिखेंगे 90,000, चलिए लिखते हैं लेनदार,
लेनदार कितना है 90,000, तो यहाँ लिखेंगे 90,000। क्लियर। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, सामान्य अनामत। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था पूंजी दायित्व में कोई भी अनामत लिखा हो उसे हम साझेदारों के चालू या पूंजी खाते में पुराने अनुपात में जमा साइड में क्या करेंगे, बांट देंगे। क्लियर बच्चों। चलिए हम क्या करेंगे, बड़ा सामान्य अनामत को बांटेंगे, कहाँ बांटेंगे, साझेदार के चालू खाते के जमा साइड में लिखेंगे क्या, सामान्य अनामत। चलिए लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे सामान्य अनामत कितना है बड़ा, यहाँ पर 70,000। तो 70,000 को बड़ा 4:5:1 में क्या करना है, बांटना है। चलिए बांटो बच्चों, कितना आएगा, तो यहाँ पर जया का कितना आएगा, तो जया का आएगा 28,000, ठीक है। ये ममता का आएगा 35,000, ठीक है, और स्मृति का आएगा 7,000। बांटना आता है ना बच्चों, कैसे बांटा जाता है बड़ा, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दिया है, इसलिए बड़ा यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ। क्लियर बच्चों। नहीं समझ में आता है बड़ा बताना, मैं आपके लिए बड़ा अच्छी तरीके से समझा दूंगा, नहीं तो बड़ा मेरी पहली वाली वीडियो जाके अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, पूंजी खाता। पूंजी खाता में क्या लिखा है, जया ममता और स्मृति, तो इसको कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाता, तो क्या लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड जाएंगे, वहां पर लिखेंगे शेष आगे लाए। चलिए तो लिखते हैं साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड में लिखेंगे, चलिए लिखते हैं क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। तो जया का कितना है बड़ा 2,00,000, तो यहां लिखेंगे 2,00,000। ममता का कितना है 1,00,000, तो यहां पर 1,00,000, और स्मृति का कितना है 90,000। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, चालू खाता लिखा है बेटा, चौपड़ी मेरी फटी हुई है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। चालू खाता में क्या लिखा है बेटा, जया और ममता कितना लिखा है 26,000 और 14,000, तो कहां लिखेंगे, साझेदार के चालू खाते के जमा साइड जाएंगे, वहां पर लिखेंगे शेष आगे लाए। जया और ममता के खाने में लिखेंगे 26,000 और 14,000। चलिए लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर समझने भी कोशिश करते हैं। चलिए लिखेंगे जमा साइड में लिखेंगे शेष आगे लाए, तो यहाँ पर लिखो शेष आगे लाए। जया के खाने में लिखेंगे 26,000 और ममता के खाने में लिखेंगे 14,000 और स्मृति करेंगे डैश। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है बड़ा, यहाँ पर दुबट्टो अनामत। बच्चों याद रखना, अगर बड़ा देनदार पे कोई भी समायोजन ना दिया गया हो तो अगर, और पूंजी दायित्व में अगर दुबट्टो अनामत लिखा हो तो उसको दायित्व समझ करके, अनामत समझ करके बड़ा उसको पूंजी दायित्व, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में जा करके आपको लिख देना है। ऐसा कब करना है, जब इसके ऊपर देनदार पे कोई भी समायोजन ना हो तो कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू जाकर हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दुबत्रुण अनामत। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या, दुबत्रुण अनामत कितना है बड़ा, यहाँ पर है 10,000, तो यहाँ लिखेंगे 10,000। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब चेक करते हैं कि हमारा सारा हो गया कि नहीं। तो देखो बच्चों, संपत्ति लेना की सारी एंट्री हो गई, पूंजी दायित्व की सारी एंट्री हो गई। अब चेक करते हैं समायोजन में कौन कौन सी एंट्री बाकी है। चलिए नंबर वन, यहाँ पर देखो पहली एंट्री हमारी क्या है, बाकी है। क्या लिखा है, किराया चुकाना बाकी है। क्या लिखा है बच्चों, फिर से क्या लिखा है, किराया चुकाना बाकी है, कितना 4,000 रुपया। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, चुकाना बाकी हमारा क्या होता है, दायित्व होता है। तो हम क्या लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के दायित्व में क्या लिखेंगे, चुकाना बाकी कितना है बेटा, किराया कितना है 4,000। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, समझने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। चलिए एक एंट्री हमारी यहां पर हो गई, दूसरी एंट्री प्लस है तो क्या करेंगे, तो हम प्लस है तो क्या करेंगे, सेम साइड। दूसरी एंट्री कहां जाएगी, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड, कहां लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, चुकाना बाकी किराया कितना है 4,000। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है, विनियोग पर ब्याज
क्या है चुकाना बाकी। याद रखना विनियोग हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है, चुकाना बाकी है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है विनियोग पर ब्याज चुकाना बाकी है, मतलब ये क्या है हमारी संपत्ति है। तो कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे विनियोग पर ब्याज कितना दिया है बच्चों 2500, तो यहाँ लिखेंगे 2500। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड में। चलिए यहाँ पर लिखेंगे विनियोग पर ब्याज कितना है 2500। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट एंट्री चेक करते बड़ा। यहाँ पर हमारा पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री हो गई, तीसरी एंट्री हो गई, चौथी एंट्री बेटा यहाँ पर किसकी बची है, लास्ट एंड फाइनल किसकी बची है, ख्याति की। अब बच्चों मैं यहाँ पर ख्याति ख्याति का कोई भी लाभ का अनुपात नहीं निकालूंगा, कोई भी एंट्री नहीं करूंगा। मैं आपको यहाँ पर एक जोरदार जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ही ट्रिक से आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट मैं जैसे बता रहा हूँ उसी तरीके से करोगे तो 100% आपका काम हो जाएगा। ख्याति निकालने का एक बेहतरीन तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। याद रखना जब भी ख्याति के अनुमान क्या लिखा है 2 लाख रुपया, और यहाँ पर लाभ जया ममता कर लाल नया प्रमाण कितना दिया 1:1 पुराना अनुपात। जब सवाल के अंदर बड़ा जब सवाल के अंदर नया अनुपात पुराना अनुपात दिया तो आपको बड़ा ये टेबल के माध्यम से ख्याति निकालना है। जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ये टेबल अच्छी तरीके से याद कर लेना। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए यहाँ पर पीढ़ी की ख्याति कितना दिया है 2 लाख रुपए, पुराना अनुपात कितना दिया 4:5, नया भाग कितना दिया 1:1। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये जो 2 लाख है बड़ा ये 2 लाख रुपए यहाँ पर लिखेंगे। अब इस 2 लाख को बड़ा 4:5:1 में क्या करेंगे बांटेंगे। चलिए बांटने की कोशिश करते हैं कितना आएगा। चलिए बड़ा तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कैलसी के अंदर ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है 2 लाख, तो 2 लाख कैलसी के अंदर दाब दो। उसके बाद देखो यहाँ पर 4:5:1 तीनों का टोटल मारो कितना होगा 10, तो सीधा 10 से भाग दो कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 20,000। अब एक एक करके निकालते हैं, तो यहाँ पर 4:5 किसका है बड़ा जया का, तो क्या करेंगे 4 से गुणे 4 दाबेंगे कितना आएगा 80,000 आ जाएगा किसका जया का, तो यहाँ लिखेंगे 80,000। और याद रखना बच्चों पुराना अनुपात आएगा तो उसको क्या करना है प्लस, ठीक है, पुराने अनुपात को प्लस नए अनुपात को माइनस, ये माइंड में फिट कर लेना। क्लियर। चलिए उसके बाद क्या लिखा है 5, तो बराबर 5 कितना आया 1 लाख रुपया, प्लस लिखेंगे 1 लाख कितना 1 लाख। क्लियर। फिर उसके बाद लिखा है 1 दाब के बराबर कितना आया 20,000 प्लस 20,000। क्लियर हो गया बच्चों। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, अब उसके बाद यहाँ पर 2 लाख रुपए वापस से अब नए अनुपात में इसको क्या करेंगे बांटेंगे। अब 2 लाख को नए अनुपात में बांटोगे 1:1 में तो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर भाई इसका आधा आधा कर दो कितना आएगा 1 लाख रुपया इसका आएगा और 1 लाख रुपया इसका आएगा, इसका क्या हो जाएगा डैश। तो नया अनुपात आएगा तो माइनस करना है, पुराना अनुपात आएगा तो प्लस प्लस प्लस। क्लियर। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 80,000 में 80,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा माइनस का 20,000। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर भी 1 लाख, तो ये क्या जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा प्लस का 20,000। क्लियर हो गया बच्चों। अब इस पे से हम एक रोजनामचा बनाने वाले, क्या बनेगा बच्चों, माइनस वाला होगा तो उसको क्या करना है उधार करना है, और प्लस होगा तो उसको क्या करेंगे हम जमा करेंगे। क्लियर। तो क्या बनेगा, तो जया की पूंजी खाता उधार, क्या लिखेंगे जया की पूंजी खाता उधार कितना 20,000, ठीक है, और जमा किसको करेंगे स्मृति के पूंजी खाते का, तो स्मृति के पूंजी खाते का कितना 20,000 रुपया। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो इसकी एंट्री कैसे लिखोगे, कहाँ लिखोगे, और यहाँ पर बड़ा कौन से खाते में लिखोगे, तो यहाँ पर लिखोगे चालू खाता में, कहाँ लिखोगे चालू खाता में लिखोगे। क्लियर। चलिए तो कैसी एंट्री आएगी ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पहले इसे, अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है कि जया के चालू खाते में उधार साइड जाएंगे, जया के चालू खाते के उधार साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे स्मृति खाता। चलिए लिखते हैं उधार साइड, यहां पर क्या लिखेंगे स्मृति के चालू खाता,
और किसके खाने में लिखेंगे बच्चों, जया के खाने में, कितना लिखेंगे 20,000 रुपये। क्लियर हो गया बच्चों। आगे फिर स्मृति के चालू खाते में जाएंगे, स्मृति के चालू खाते के जमा साइड जाएंगे, नाम क्या लिखेंगे, जया खाता। चलिए जमा साइड में वहां पर लिखेंगे जया खाते, जया के चालू खाते का। और किसके खाने में लिखेंगे बेटा, स्मृति के खाने में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20,000 रुपये। चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया। आई होप आपको ख्याति की एंट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। क्लियर बच्चों। यहाँ पर बड़ा इस सवाल के अंदर सिर्फ दो चीजों पे आपको फोकस करना है। किस पे फोकस करना है बड़ा, यहाँ पर एक बड़ा एक ख्याति मैंने कैसी निकाला, तो ख्याति निकालने के लिए बड़ा आपको ये टेबल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने बड़ा आपको बताया था विनियोग के बारे में, तो विनियोग के बारे में मैंने क्या बताया था, ध्यान से समझने की कोशिश करो। विनियोग के बारे में क्या बताया था बच्चों, तो यहाँ पर देखो विनियोग 33,000 है, उसमें लाभ हुआ 2,000 रुपया, फिर 35,000 रुपया रोकड़ आ रही थी, तो मैंने एक एंट्री लिखा था बड़ा पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड में लिखा था, और दूसरा रोकड़ बैंक, तो रोकड़ बैंक खाते के उधार साइड में मैंने क्या लिखा था 35,000 रुपया। क्लियर हो गया बच्चों। एक ये विनियोग वाली एंट्री और ख्याति वाली एंट्री अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। तो सवाल आपका लगभग सारे सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, टोटल मारेंगे। चलिए टोटल मारने की सिखाता हूँ कैसे टोटल मारा जाता है। चलिए बच्चों टोटल मारो, तो इसका टोटल मारो कितना आएगा बच्चों, इसका टोटल मारोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4,500 आएगा, कितना आएगा 4,500। चलिए तो यहाँ लिखेंगे 4,500, अपना 4,500 में से 4,000 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा 500। अब इस 500 का हम कहाँ बांटेंगे, साझेदार के चालू खाते में, किसमें, चालू खाता। चलो बड़ा चालू खाता, अपना 500 को हम पुराने अनुपात में बांटो, 500 को पुराने अनुपात में बांटोगे किसमें, जया ममता स्मृति, तो जया के खाने में कितना आएगा बच्चों 200 250, और इसका आएगा 50। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी बच्चों, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी बोलो जल्दी, इसकी दूसरी एंट्री आएगी साझेदार को चालू खाते में, किस साइड, इधर उधार है तो उधर कहाँ जाएगा, जमा साइड में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कहाँ से ला रहे, पुनः मूल्यांकन खाते से, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। तो जया के खाने में 200 रुपये, ममता के खाने में 250 रुपया, और स्मृति के खाने में 50 रुपया। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे सब, अब बताओ इसमें सबसे पहले टोटल किसका मारेंगे बच्चों, ये बताओ निवृत्त कौन हो रहा है, जो निवृत्त होगा सबसे पहले उसका टोटल मारा जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो सबसे पहले हम किसका टोटल मारेंगे, स्मृति का टोटल मारेंगे। चलिए स्मृति का टोटल कौन है, निवृत्त कौन हो रहा है, जिस पे मैंने हाईलाइट किया वो निवृत्त हो रहा है। तो सबसे पहले स्मृति का टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा, जब स्मृति का टोटल मारोगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 43,000 रुपया, कितना आएगा बच्चों 43,000। क्लियर हो गया, कितना आएगा 43,000। चलिए तो बच्चों ज्यादा किस साइड का था, ज्यादा इस साइड का था। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 43,000 में से इन सभी को माइनस करो बच्चों, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 15,950। अब ये जो आएगा बच्चों, यहाँ पर हम चालू खाता नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये चालू खाता है, और लोन कहाँ से निकलता है, लोन हमेशा पूंजी खाते से निकलता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मृति की पूंजी खाता, क्या लिखेंगे, स्मृति की पूंजी खाता। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, इसकी दूसरी एंट्री जाएगी साझेदारी के पूंजी खाते के, यहाँ पर जमा है तो वहाँ पर कहाँ जाएगा, उधार साइड जाएगा, तो लिखेंगे साइदर के पूंजी खाते के उधार साइड में, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्मृति की पूंजी खाता, स्मृति की पूंजी खाता, कितना लिखेंगे बच्चों 15,950, यहाँ पर लिखेंगे 15,950। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब हम इसका टोटल मार दिए, अब बचे हुए साझेदार का टोटल मारो। चलो बच्चों इसका इसका देखो किस साइड का ज्यादा आ रहा है, तो टोटल मारो यहाँ पर कितना आएगा टोटल, तो बच्चों इसका टोटल आएगा 49,250, इसका टोटल मारो बच्चों कितना आएगा 54,200। क्लियर, चलो यही चीज यहाँ पर भी लिख देंगे 49,250 और 54,200। अब बच्चों माइनस करो बच्चों, यहाँ पर कितना आएगा,
इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा, तो यहां पर आएगा 34,250, क्लियर। और इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा, 22,200। यहां पर क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। तो बच्चों इसकी दूसरी एंट्री कहां पर जाएगी, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू। क्या लिखेंगे, चालू खाता। यहां पर लिखेंगे चालू खाता, कहां से ला रहे हैं ये वाली अमाउंट, कहां से ला रहे हैं, चालू खाता से ला रहे हैं, इसलिए यहां पर लिखेंगे चालू खाता। कौन कौन सा, क्या क्या नाम है इनका, जया और ममता, तो यहां लिखेंगे जया ममता। तो जया की अमाउंट कितना दिया बच्चों, जया की अमाउंट यहां पर दिया हुआ है 22,200, और ममता की कितना दिया है, 34,250। अब इन दोनों को टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा, कितना आएगा मारो, तो यहां पर आएगा 56,450, क्लियर हो गया बच्चों। अब हमें किसका टोटल मारना है, उसे हम ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। अब हम मारेंगे किसका, साझेदारी के पूंजी खाते का टोटल। चलिए साझेदारी का पूंजी खाते का टोटल मारते हैं। चलो इसका टोटल मारो बच्चों, यहां पर आएगा कितना, 90,000, ठीक है। जो निवृत्त हो रहा है पहले उसी का टोटल मारना है। स्मृति का टोटल मारेंगे कितना आया, अब यहां पर 90,000। अब 90,000 में से 15,950 को माइनस करो बच्चों, तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा 74,050। तो ये जो एंट्री आएगी ना, इसे लिखना है स्मृति की लोन खाता। बच्चों पता चल गया ना बड़ा, स्मृति की लोन खाता कहां से निकलेगा, हमेशा पूंजी खाते से निकलता है। माइंड में अपने खोपड़ी में फिट कर लो, क्या लिखेंगे, स्मृति की पूंजी खाता, ठीक है। इसकी दूसरी स्मृति की, सॉरी क्या लिखेंगे, लोन खाता। इसकी दूसरी एंट्री कहां जाएगी बड़ा, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू। चलिए लिख दो, स्मृति की लोन, स्मृति की लोन कितना लिखेंगे, 74,050, क्लियर हो गए बच्चों। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए साझेदार का टोटल मारेंगे। चलिए इसका टोटल मारो, कितना आएगा, 1,00,000। इसका कितना आएगा, 2,00,000। तो यहां पर लिखेंगे 1,00,000, यहां पर लिखेंगे 2,00,000, ठीक है। अब यहां पर बच्चों कुछ बचा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, यहां पर आएगा 2,00,000 आएगा, यहां पर आएगा 1,00,000 आएगा, तो यहां पर लिख देंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए, तो बड़ा ले गए, तो बड़ा ले गए। इसकी दूसरी एंट्री कहां जाएगी बच्चों, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू। क्या लिखेंगे, पूंजी की अमाउंट, तो यहां लिखेंगे पूंजी। क्या नाम है, जया और ममता, तो जया का कितना बड़ा, 1,00,000। जया का है यहां पर, जया का यहां पर कितना है बच्चों, 2,00,000, ठीक है। ममता का कितना है, 1,00,000, तीनों को प्लस करो कितना आएगा, 3,00,000, क्लियर हो गए बच्चों। सारे टोटल यहां पर हो गया है। अब उसके बाद किसका टोटल मारेंगे बच्चों, रोकड़ एंड बैंक खाते का। चलिए टोटल मारते हैं, यहां पर कितना आएगा, 35,000, यहां पर भी कितना आएगा, 35,000, यहां पर कितना बचेगा, 35,000। क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, तो कहां जाएगा, रोकड़ बैंक हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है, तो कहां लिखेंगे, रोकड़ बैंक खाते के, सॉरी आर्थिक चिट्ठा की संपत्ति लेना साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता, यहां लिखेंगे रोकड़ खाता, कितना है बड़ा, 35,000, क्लियर हो गए बच्चों। अब हम लास्ट एंड फाइनल का टोटल मारेंगे, किसका, पक्की तलपट जिसे कहते हैं आर्थिक चिट्ठा। तो बच्चों जब इसका टोटल मारोगे तो इसका टोटल कितना आएगा यहाँ पर, तो 5,24,500। इसमें कितना होगा, 5,24,500 होगा। जब बड़ा दोनों का आंसर सेम सेम मिल जाए तो समझ जाना आपका आंसर क्या है, ऑलवेज राइट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब बच्चों मुझे ये बताओ नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाऊं मैं आपके लिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बड़ा आपके लिए एग्जाम से पहले पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ और ऐसे ही वीडियो बनाते रहूंगा। लेकिन कब बड़ा, जब आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।